हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फेसबुक की एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो दोस्तों काफ़ी लोगों को देखने के लिए मिली है। तो सबसे पहले मैं आपको ये प्रॉब्लम दिखा देता हूँ कि फेसबुक पे आपको क्या प्रॉब्लम देखने के लिए मिल जाती है। तो सबसे पहले जब भी आप अपने लॉग इन करते हैं अकाउंट को तो कुछ एरर आपको शो होता है। तो सबसे पहले मैं दिखा दूँ कि क्या एरर शो होता है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि मैं यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ। तो सबसे पहले देख सकते हैं, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं मैंने डाल दिया है। अब मैं पासवर्ड डालूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये एरर कैसे देखने के लिए मिलता है। तो अगर आपका पासवर्ड गलत होता है तो भी आपको ये एरर देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले मैं इस आईडी का सही पासवर्ड डाल के आपको दिखाऊँगा। तो देख सकते हैं पासवर्ड, देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो मैंने इस आईडी का पासवर्ड डाल दिया। तो जैसे ही मैं लॉगिन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन हो जाएगा, आसानी से लॉगिन हो जाएगा, कोई भी एरर आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं, अब आप सोचेंगे कि ये एरर क्यों नहीं आया, आसानी से ये कैसे लॉगिन हो सकता है। तो सबसे पहले थ्री लाइंस पे मैं क्लिक करता हूँ और लॉग आउट इसे कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ ये एरर कैसे देखने के लिए मिलता है। तो मैंने लॉग आउट कर दिया इस अकाउंट को। तो जैसे ही मैंने लॉग आउट किया तो यहाँ से मैं इसको रिमूव भी कर देता हूँ। तो देख सकते हैं यही अकाउंट में फिर से आपको लॉगिन करके दिखाऊंगा और उस एरर के साथ दिखाऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालने के बाद अब मैं यहाँ पे नीचे गलत पासवर्ड डालूंगा, बिल्कुल सही पासवर्ड नहीं डालूंगा, गलत पासवर्ड डालूंगा। तो दोस्तों देख सकते हैं गलत पासवर्ड मैंने डाल दिया और मैं लॉगिन कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं गलत पासवर्ड को डाल के लॉगिन करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं एक एरर शो होगा। अब ये एरर क्यों शो हो रहा है, गलत पासवर्ड डालने के बाद हमें रॉन्ग पासवर्ड बताना चाहिए लेकिन ये एरर शो होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको इसी एरर के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देख लीजिए ये एरर क्यों शो हो रहा है, और अगर आपके में कोई अलग रीज़न है, अगर आपके में ये एरर कुछ अलग रीज़न से शो हो रहा है तो उसका भी मैं आपको बताऊँगा, एक ही सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले मैं आपको एरर दिखा देता हूँ क्या एरर देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा वेट होगा जब मैं गलत पासवर्ड डालूंगा। तो देख सकते हैं लॉग इन फील्ड एन अननोन एरर ऑक्यूरेट। तो दोस्तों मैं इसे ओके कर देता हूँ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं ये एरर देखने के लिए मिला, जबकि मैंने इसी आईडी से अभी लॉग इन करके आपको दिखाया है। तो सबसे पहले आपको फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना है। अब दोस्तों बात आती है लोगों को फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन ही नहीं दिखता। तो सबसे पहले आप जब भी लॉग इन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको लॉगिन इनटू अनदर अकाउंट या फिर डायरेक्ट लॉगिन के पेज पे पहुंचा दिया जाएगा। तो आपको फ़ोन नंबर और ईमेल पासवर्ड और यहाँ पे लॉगिन और नीचे फॉरगेट का ऑप्शन जरूर देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं देखने के लिए मिलता है तो सिंपली आप अपने क्रोम ब्राउज़र में जाकर भी ये ऑप्शन देख सकते हैं। तो जैसे ही मैं क्रोम ब्राउज़र में गया और यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले मैं यहाँ पर इंटर लॉगिन पेज पर यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं फेसबुक पेज लॉगिन, यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं आप। तो देख सकते हैं किसी और अकाउंट में लॉगिन करें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन इनटू अनदर अकाउंट। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जैसे ही फेसबुक में था वैसे ही यहाँ पर है। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है पासवर्ड भूल गए, लेकिन अगर मैं इसे देख सकते हैं जैसे मैं अगर इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगा तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो ऐसे ही आप फॉरगेट कर सकते हैं अगर आपको फेसबुक में ही फॉरगेट का प्रोसेस देखने, जैसा यहाँ पे प्रोसेस है वैसा ही आपको क्रोम ब्राउज़र में प्रोसेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों बात आती है आपको अगर फ़ोन नंबर, अगर आपका जो भी फ़ोन नंबर है और ईमेल है, अगर इन दोनों में से कोई एक ऐड होता है तो ही आप अपने इस अकाउंट को रिकवर कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको यही बताया गया है, अगर आप अपने ईमेल, अगर आपका जो भी ईमेल है वो आपकी आईडी में ऐड है या फिर फ़ोन नंबर कोई भी ऐड है तो आप अपने अकाउंट को रिकवर कर पाएंगे। अब दोस्तों क्या होता है, लोग अपना सही मोबाइल नंबर डालते हैं और ईमेल भी डालते हैं फिर भी उनका नहीं देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों आप कुछ गलती ज़रूर कर रहे होंगे, इससे आपका नहीं देखने को मिलता। दोस्तों अगर आपका अकाउंट है, अगर उसमें कोई मोबाइल नंबर या फिर ईमेल जुड़ा हुआ है तो आपको ज़रूर यहाँ पर शो करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको दो तीन तरीके दिखा देता हूँ जिससे आपको यकीन हो जाए। तो सबसे पहले मैं अपना फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। जैसे ही मैंने फ़ोन नंबर डाला और मैं सर्च के ऑप्शन पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं इस नंबर से दो अकाउंट हैं तो ये शो हो रहे हैं। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ बैक आके, तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद अब आपके पास फ़ोन नंबर नहीं है, आपके पास ईमेल आईडी ऐड है। तो नीचे सर्च बाई योर ईमेल इंस्टीड आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे मैं आपको दो ईमेल डाल के दिखाऊंगा, देख सकते हैं दोनों मेरी ऐड हैं और आपको अलग अलग रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आपकी ऐड होगी तो आपको पक्का रिजल्ट यहाँ पर शो करेगा, अगर आपकी ऐड नहीं है तो आपको कोई भी रिजल्ट शो नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपको पहली ईमेल डाल के दिखा देता हूँ।
तो दोस्तों जैसे मैंने पहली ईमेल डाली और जैसे मैंने सर्च किया तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो अकाउंट है अभी मैंने रिकवर करके दिखाया था, गलत पासवर्ड डाला था तो आपको ये एरर देखने के लिए मिल रहा था। तो ये जो ईमेल है ये इस अकाउंट में ऐड है, तो आपको यही एक अकाउंट देखने के लिए मिलेगा। अब दोस्तों दूसरी ईमेल में डाल के दिखा देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर दूसरी ईमेल डालूँगा, तो दूसरी ईमेल डालने के बाद फाइंड योर अकाउंट करूँगा, तो देख सकते हैं ये जो अकाउंट है लॉगिन के लिए आ चुका है। मैं यहाँ से डायरेक्टली लॉगिन कर सकता हूँ क्योंकि ये पहले से ही लॉगिन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बैक करने के बाद देख सकते हैं ये पहले से ही मैं डायरेक्टली यहाँ से लॉगिन कर सकता हूँ। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर फॉरगेट के पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद आपको ईमेल या फ़ोन नंबर डालना है, आपका अकाउंट निकल के आ जाएगा। फिर आपको उस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके जो भी फ़ोन नंबर है या फिर ईमेल ऐड है तो यहाँ पे आपको शो करेगा। यहाँ पे फ़ोन नंबर अगर शो करता है तो आपके फ़ोन नंबर पर कोड आएगा, वो आपको फिल करना है। अगर आपकी ईमेल यहाँ पर शो करती है तो जैसा ईमेल शो कर रही है तो ईमेल पर कोड आएगा, तो वो मुझे यहाँ पर फिल करना है। तो फिल करने के बाद जैसे मैं कंटिन्यू करूँगा तो मैं अकाउंट में आसानी से लॉगिन हो जाऊँगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।